आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिग्नलिंग, कि सिग्नलिंग क्या होता है रेलवेज़ में। तो इसमें आप डिटेल में स्टडी करेंगे कि सिग्नलिंग क्या होता है, आपका ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है सिग्नल्स को प्रोवाइड करने का, और लास्ट में आप पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सिग्नल्स होते हैं रेलवेज़ में वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिग्नलिंग होता क्या है। इसमें लिखा है कि सिग्नलिंग कंसिस्ट ऑफ द सिस्टम्स डिवाइसेस एंड मीन्स बाई विच ट्रेन्स आर ऑपरेटेड एफिशिएंटली एंड ट्रैक्स आर यूज टू मैक्सिमम एक्सटेंट मेंटेनिंग द सेफ्टी ऑफ द पैसेंजर द स्टाफ एंड द रोलिंग स्टॉक। इट इंक्लूड्स द यूज़ एंड वर्किंग ऑफ सिग्नल पॉइंट्स ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट्स एंड अदर इक्विपमेंट्स। ये बोलता है कि सिग्नलिंग एक सिस्टम होता है ट्रेन को ऑपरेट करने में जो आपकी हेल्प करता है, ट्रैक का जो मैक्सिमम एक्सटेंट है कि भाई आप कितना मैक्सिमम एक ट्रैक रेलवे के ट्रैक को आप यूज़ कर सकते हैं नंबर ऑफ़ टाइम्स इन अ पर्टिकुलर डे, तो ये आपको उसको यूज़ करने में क्या करता है, हेल्प करता है। और साथ ही साथ पैसेंजर की जो सेफ्टी होती है उसको भी ये क्या है मेंटेन करने में हेल्प करता है बाय प्रिवेंटिंग कोलिजन ऑफ ट्रेन्स। नेक्स्ट हम देखेंगे ये जो बॉटम में आप देख रहे होंगे डायग्राम्स, तो ये आपको जो दिख रहा है इन्हें ही हम क्या कहते हैं सिग्नल्स है। ये आप देख रहे होंगे कि ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो ये आपका डिपेंड करता है आपके ट्रैक के ऊपर, और उस अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं सिग्नल्स को प्रोवाइड करते हैं ताकि हम आपका इंडिकेशन दे सकें या सिग्नल प्रोवाइड कर सकें पर्टिकुलर ट्रेन के मूवमेंट का। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं सिग्नलिंग के। तो इसमें बोलता है फर्स्ट पॉइंट टू प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर दी एफिशिएंट मूवमेंट्स ऑफ ट्रेन। इसमें बोलता है आसानी से ट्रेन को मूव करने में हेल्प करता है ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। सेकेंड है टू एंश्योर सेफ्टी बिटवीन टू और मोर ट्रेन्स विच क्रॉस और अप्रोच ईच अदर्स पाथ। सेफ्टी को इंश्योर करता है बिटवीन टू और मोर ट्रेन्स विच क्रॉस अदर्स ईच अदर्स पाथ। इसका मतलब ये है कि अगर ये एक ट्रैक है और ये आपका दूसरा ट्रैक है, तो ये दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पे आके क्रॉस कर रहे हैं, तो अगर आप सही टाइम पे सिग्नल प्रोवाइड कर दोगे तो क्या होगा, ये यहाँ से यदि कोई ट्रेन मूव कर रहा है तो यहाँ से जो ट्रेन मूव करेगा उसको आप क्या कर दोगे सिग्नल प्रोवाइड कर दोगे कि इस ट्रैक पर ऑलरेडी आपका ट्रेन मूव हो रहा है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे दो ट्रैक के बीच में जो ट्रेन के बीच में कोलिजन है उसको होने से आप क्या कर दोगे प्रिवेंट कर दोगे। नेक्स्ट आपका बोलता है टू प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर द मैक्सिमम यूटिलिटी ऑफ द ट्रैक। ट्रैक की मैक्सिमम यूटिलिटी के लिए आपका क्या है सिग्नल्स हेल्प करता है। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर सेफ्टी एंड एफिशिएंट शंटिंग ऑपरेशंस। अब ये बोलता है कि ट्रेन को सेफली एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे मूव होने के लिए आपका हेल्प करता है विदाउट कोलिजन। तो शंटिंग का मतलब ये होता है कि जब आपका ट्रेन जो है एक ट्रैक पे है, अब क्या हो रहा है कि ये जो है ये आपका ट्रैक को चेंज कर रहा है, ये ट्रैक आपका स्ट्रेट गया, तो ये जो आपका ट्रेन का ट्रैक को जब चेंज करता है उसी को हम बोलते हैं शंटिंग ऑपरेशन। तो ये बोलता है कि ये जो सिग्नल्स हैं वो क्या करते हैं ये ऑपरेशन को सक्सेसफुली रन करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो बोलता है कि टू गाइड द ट्रेन मूवमेंट ड्यूरिंग मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ द ट्रैक। अगर कोई भी ट्रैक में आपका मेंटेनेंस का वर्क चल रहा है या रिपेयर वर्क चल रहा है, तो ये क्या करता है सिग्नल प्रोवाइड करता है, सिग्नल हेल्प करता है ड्राइवर को अंडरस्टूड करने में कि आगे जो है मेंटेनेंस एंड रिपेयर वर्क चल रहा है, और उस अकॉर्डिंग ट्रैक आपका जो ट्रेन है उसको मूव किया जाता है। नेक्स्ट है टू सेफगार्ड द ट्रेन्स एट कन्वर्जिंग जंक्शंस एंड गिव डायरेक्शनल इंडिकेशंस एट डाइवर्जिंग जंक्शंस। इसका मतलब ये है ट्रेन का जो सेफली जंक्शंस पे जो मूव होने के लिए हम आपका क्या है सिग्नल जो है वो हेल्प करता है। या तो आपका जो ट्रैक है या तो वो कन्वर्जिंग होगा, कन्वर्जिंग का मतलब इस तरीके से, इसे हम क्या कहते हैं कन्वर्जिंग, मतलब ये ट्रेन और ये ट्रेन एक दूसरे को पॉइंट पे क्रॉस करेंगे। दूसरा चीज होता है या तो आपका डाइवर्जिंग होगा, डाइवर्जिंग मतलब दो ट्रैक आपके मेन लाइन से ऐसे क्या हो रहे हैं मूव हो रहे हैं, तो इन्हें आप क्या कहोगे डाइवर्जिंग कहोगे। तो ये इसके लिए भी आपका क्या है सिग्नल्स को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ सिग्नल्स आपके क्या क्या होते हैं, या आप बोल सकते हो सिग्नलिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो ये बेसिकली आपके चार प्रकार के होते हैं, दैट इज़ आपका जो सिग्नलिंग है वो फोर टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है आपका ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकंड है फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स, थर्ड है आपका लोकेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फोर्थ है आपका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम
पॉइंट वाइज डिटेल में स्टडी करेंगे कि आपका ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका डेटोनेटिंग सिग्नल्स, सेकंड होता है आपका हैंड सिग्नल्स, और थर्ड होता है आपका क्या, फिक्स्ड सिग्नल्स। तो अब सबसे पहले आप देखोगे कि डेटोनेटिंग सिग्नल्स क्या होते हैं। तो ये बोलता है कि जब आपका जो वेदर है वो बहुत फॉगी या फिर क्लाउडी होता है तो सिग्नल्स विजिबल नहीं होते, उस कंडीशन पे क्या करते हैं, डेटोनेटर्स का यूज़ करते हैं जो ड्राइवर को इंडिकेट करने में हेल्प करता है कि आगे आपका सिग्नल है। डेटोनेटर्स जो होते हैं वो आपके कंटेनर्स होते हैं जिसमें आपका एक्सप्लोजिव होता है, जिन्हें ट्रेन के जो आपका रेल होता है, रेल के टॉप पे क्लिप की हेल्प से इन्हें फिक्स किया जाता है एट अ डिस्टेंस ऑफ 400 to 500 meters अहेड ऑफ द सिग्नल। जब आपका ट्रेन डेटोनेटर के ऊपर से क्रॉस करता है तो एक हाई साउंड जनरेट होता है एक्सप्लोजन के कारण, जो ड्राइवर के लिए इंडिकेशन होता है कि आगे आपका सिग्नल है। अब जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये बॉटम में आपको क्या दिख रहा है, आपको यहाँ पे ट्रैक दिख रहा होगा, ये रेल है। तो इस रेल में इस तरीके से क्या होता है, इस डेटोनेटर को फिक्स किया जाता है विद द हेल्प ऑफ क्लिप्स। तो जब ट्रेन इसके ऊपर से मूव करता है तो ये क्या होता है, एक्सप्लोड होता है, और एक्सप्लोड होने के कारण इसमें से आपका साउंड जनरेट होता है। तो इसे आप क्या कहोगे, डेटोनेटिंग सिग्नल्स कहोगे। नेक्स्ट जो है हमारा वो है क्या, हैंड सिग्नल्स। तो ये डायग्राम पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो हैंड सिग्नल्स है विद द हेल्प ऑफ फ्लैग की, डिफरेंट कलर ऑफ फ्लैग को यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, हैंड सिग्नल्स को प्रोवाइड कर सकते हो। इसके साथ ही आपको एक और डायग्राम दिख रहा होगा जिसमें हमने टॉर्च का यूज़ किया है या लैम्प का यूज़ किया है। तो ये जो हैंड सिग्नल है, या तो आप फ्लैग यूज़ करोगे, या तो आप टॉर्च भी यूज़ कर सकते हो, या तो आप दोनों यूज़ कर सकते हो। तो ये जो होता है, जो फ्लैग होता है, ये ड्यूरिंग डे टाइम विजिबल होता है, लेकिन ड्यूरिंग नाइट आवर्स ये विजिबल नहीं होता। तो उस कंडीशन पे हम लैम्प का यूज़ करते हैं टू प्रोवाइड द सिग्नल टू द ड्राइवर। अब इसमें क्या होता है, जो आपका हैंड सिग्नल है वो जनरली जो केबिन मैन होते हैं, गैंग मैन होते हैं, पॉइंट मैन होते हैं, इन लोग ऑथराइज होते हैं इस सिग्नल को आपके इंडिकेट करने के लिए ट्रैक पे। नेक्स्ट जो है वो है आपका क्या, फिक्स्ड सिग्नल्स। तो फिक्स्ड सिग्नल आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि किस टाइप के दिखते हैं आपके। अगर ये इस पोजीशन पे रखा हुआ है इस तरीके से, तो ये इंडिकेट करता है कि अभी ट्रेन को आपको स्टॉप करना है। और जब आपको ये कुछ एंगल पे ऐसा दिखेगा तो ये इंडिकेट करता है कि अभी ट्रेन मूव कर सकता है। मतलब ये इंडिकेट करता है अगर कुछ एंगल पे है तो ये नॉर्मल पोजीशन को, और अगर ये फ्लैट एज इट इज़ रखा हुआ है तो ये इंडिकेट करता है कि अभी ट्रेन को आपको क्या करना है, स्टॉप करना है। तो ये होता है आपका फिक्स्ड सिग्नल। तो ये जो फिक्स्ड सिग्नल है जनरली हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे आपका जंक्शन जो है वो बड़ा होता है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, फिक्स्ड सिग्नल्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका सेकेंड जो है फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये आपको यहाँ से क्लियर होगा कि फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स आपका मेन सेकेंड हेडिंग है। तो टाइप ऑफ सिग्नल का ये आपका चार प्रकार का होता है, स्टॉप पे और सेमाफोर टाइप सिग्नल्स, वार्नर सिग्नल्स, शंटिंग सिग्नल्स, और फोर्थ होता है आपका कलर्ड लाइट सिग्नल्स। तो ये आपका बेसिकली चार प्रकार के होते हैं। अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि सेमाफोर टाइप और स्टॉप टाइप सिग्नल क्या होता है। तो ये बोलता है कि ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में जो आपको ये सिग्नल दिख रहा है, इन्हें ही हम क्या कहते हैं, सेमाफोर सिग्नल कहते हैं। इस डायग्राम, ये जो है वो आपका रियल इमेज है, और ये जो है ये उसके कॉम्पोनेंट पार्ट्स को जो है वो सेकेंड इमेज क्या है, एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, ये जो बॉटम पे आप देखेंगे ये एक पुली से अटैच होता है, ये आपका चेन अटैच होता है, और ये चेन जो अटैच होता है यहाँ वेट से अटैच होता है, वजन से। ये आपका अगेन जाके आगे के इस कॉम्पोनेंट आर्म से आपका अटैच होता है। तो ये क्या है, जैसे ही आप पुली को खींचोगे तो ये चेन भी आपका क्या होगा, मूव होगा, और ये वेट के कारण क्या होगा, ये भी कुछ आपका लोड अप्लाई करेगा, जिसके कारण इस आर्म का क्या होता है, मूवमेंट होता है। अब आप ये देख रहे होंगे कि ग्राउंड लेवल से इसकी जो हाइट होती है वो होती है 7.5 meters। अब इसमें बोलता है कि इस प्रकार से इसकी पुली की हेल्प से इस सिग्नल को प्रोवाइड किया जाता है। अगर ये इस तरीके से नॉर्मल पोजीशन पे रखा है तो ये सिग्नल दे रहा है कि अभी आपको ट्रेन को स्टॉप करना है।
अब एक और चीज़ दिख रहा होगा आपको डायग्राम में, ये लैम्प। तो क्योंकि डे टाइम में आप इजीली इसको देख सकते हो, लेकिन नाइट आवर्स में ये आपका विजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे लैम्प की हेल्प से भी आपका सिग्नल्स को प्रोवाइड किया जाता है। तो इसे आप क्या कहोगे, सिमाफोर टाइप सिग्नल या फिर स्टॉप सिग्नल। सेकेंड जो होता है वो होता है आपका क्या, वार्नर सिग्नल। जो आपका वार्नर सिग्नल होता है वो आपके सिमाफोर सिग्नल के साथ अटैच होता है। सिमाफोर सिग्नल में केवल आपने ये पढ़ा था, अब उसके साथ बॉटम पे आप देखना एक और आपको दिख रहा होगा इंडिकेशन येलो और ब्लैक कलर में। तो ये होता है आपका वार्नर सिग्नल। तो ये बोलता है कि जो सिमाफोर सिग्नल इज़ कम्बाइंड विथ आपका वार्नर सिग्नल। वार्नर सिग्नल सिमिलर होता है सिमाफोर सिग्नल की तरह, इसमें आपका एक शेप में थोड़ा चेंजेस होता है। जो सिमाफोर सिग्नल होता है वो रेक्टेंगल होता है, लेकिन जो आपका वार्नर सिग्नल होता है वो वी नॉच टाइप का होता है फ्री एंड पे। वी नॉच टाइप मतलब ये जो फ्री एंड है उस पे ये ऐसा टाइप का शेप बनाता है। तो इसे आप क्या कहते हो, वी नॉच कहते हो। तो ये बोलता है कि जो वार्नर सिग्नल सिमिलर पोस्ट पे होता है आपका 1.8 to 2.1 meters बिलो होता है आपका सिमाफोर सिग्नल के। ये पोस्ट तो सेम होता है जिस पे दोनों आपका सिमाफोर और वार्नर दोनों अटैच हैं, लेकिन ये दोनों के हाइट का जो डिफरेंस होता है वो कितना रहता है आपका 1.8 से 2.1 मीटर का डिफरेंस होता है। आपका जो सिमाफोर सिग्नल होता है वो रेड कलर में होता है और जो वार्नर सिग्नल होता है वो आपका येलो कलर में होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि शंटिंग सिग्नल क्या होता है। ये बोलता है कि जब हमको ट्रेन को का पाथ चेंज करना होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, शंटिंग कहते हैं। तो जब ट्रेन एक ट्रैक पे आप ट्रैक पे हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, सिग्नल दिया जाता है। तो उस टाइम पे जब हम सिग्नल प्रोवाइड करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, आपका शंटिंग सिग्नल कहते हैं। ये शंटिंग सिग्नल इंडिकेट कर रहा है कि भाई ये जो ट्रैक है आपका आगे जो है, ये जो ट्रेन है वो ट्रैक को चेंज करने वाला है। तो ये आपको बॉटम में दिख होगा इसका डायग्राम कि ये जो सिग्नल है आपका ऐसे सर्कुलर में होता है, जो व्हाइट और रेड के कॉम्बिनेशन में आपका होता है। तो इसे आप क्या कहते हो, आप शंटिंग सिग्नल कहते हो। तो जो शंटिंग सिग्नल का जो शेप होता है वो आपका सर्कुलर होता है, और साथ ही आप ये बोल सकते हो कि दो कलर्स में होता है, दैट इज़ रेड एंड वाइट कलर में। इसमें जो डिस्क होता है वो जो आपका वर्टिकल प्लेन में रिवॉल्व करता है बाई पुलिंग लिवर आर्म, ये जो है ये आपका रोटेट करता है। ये जो पोजीशन है आपको दिख रहा है ये नॉर्मल रखा हुआ है, ये आपका देखो ये सेकंड डायग्राम में ये जो इंडिकेशन है वो चेंज हो गया है। तो ये मूव किसकी हेल्प से कर रहा है, आपके लिवर आर्म की हेल्प से करता है। ये बोलता है कि इस पे दो लैंप भी लगे होते हैं, एक होता है ग्रीन और दूसरा होता है आपका रेड कलर। तो ये जो लैंप्स हैं ये आपके जनरली नाइट के समय में यूज़ होता है सिग्नल को इंडिकेट करने के लिए। जब आपका डिस्क का रेड बैंड हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे होता है और रेड लाइट शो कहता है होता है, तो वो आपका नाइट में करता है। तो ये आपका इंडिकेट करता है आपका स्टॉप पोजीशन को। और जब आपका रेड बैंड इंक्लाइंड पोजीशन पे होता है या फिर 45 डिग्री पे होता है और ग्रीन लैंप शो करता है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आप क्या कर सकते हो, ट्रेन को आगे प्रोसीड कर सकते हो। तो ये होता है आपका क्या, शंटिंग सिग्नल। नेक्स्ट है आपका कलर लाइट सिग्नल। तो ये जो आपको डायग्राम में दिख रहे हैं ये सिग्नल्स, इन्हें ही हम क्या कहते हैं, कलर लाइट सिग्नल कहते हैं। ये क्या करता है, इंक्रीज ट्रैफिक के कारण सिमाफोर सिग्नल को हम क्या करते हैं, रिप्लेस्ड कर देते हैं हाई इंटेंसिटी बीम ऑफ कलर लाइट से। वो क्या करता है, जो कि आपको इंडिकेट करता है कि डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ कलर से आपको क्या मिलता है, सिग्नल्स मिलता है, जो कि आपका हाईली आज के ज़माने में हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है आपका क्या, लोकेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब अगेन हम फर्स्ट पेज पे आएंगे तो लोकेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम देखते हैं कि ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट है आपका रिसेप्शन सिग्नल और सेकंड है आपका डिपार्चर सिग्नल। तो अब लोकेशनल सिग्नल क्या होता है इसके बारे में आप क्या करोगे, डिटेल में स्टडी करोगे। तो इसमें बोलता है कि जो आपका रिसेप्शन सिग्नल होता है वो बोलता है कि जब स्टेशन पे ट्रेन आता है तो उसको क्या होता है, उसको इंडिकेट करता है,
जब स्टेशन पे आपका जो है वो ट्रेन आता है और उसको इंडिकेट करने के लिए जिस सिग्नल का हम यूज़ करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, रिसेप्शन सिग्नल कहते हैं। अब ये जो रिसेप्शन सिग्नल होता है ये अगेन आपका दो प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है आपका आउटर सिग्नल और जो सेकेंड होता है उसे हम क्या कहते हैं, होम सिग्नल कहते हैं। तो ये जो आउटर सिग्नल होता है ये फर्स्ट स्टॉप सिग्नल होता है विच इंडिकेट द एंट्री ऑफ द ट्रेन फ्रॉम ब्लॉक टू द स्टेशन यार्ड। जो आउटर से आपके स्टेशन की तरफ जो ट्रेन आ रहा है तो ये जो होता है आउटर सिग्नल ये पहले इंडिकेट करेगा आपको कि भाई अब ट्रेन आपका जो स्टेशन है उस पर आपका आने वाला है स्टेशन यार्ड पे। सेकंड जो है वो है हमारा क्या, होम सिग्नल। तो होम सिग्नल क्या है, दिस टाइप ऑफ सिग्नल इज़ लोकेटेड जस्ट नियर द स्टेशन, इसलिए इसे डोर सिग्नल भी कहते हैं। ये जो सिग्नल आपका इंडिकेट करता है कि कौन सी लाइन पे आपका जो ट्रेन है उसको आगे जाना है। तो ये जो ये आप देख रहे होंगे ये जो सिग्नल्स हैं ये ऑलमोस्ट आपके स्टेशन पे ही प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपका इंडिकेट करता है कि आपका जो ट्रेन है वो कौन से लाइन पे आपके ट्रैक पे आएगा। नेक्स्ट है आपका डिपार्चर सिग्नल। तो ये जो डिपार्चर सिग्नल होता है ये क्या होता है, डिस्पैच ऑफ ट्रेन फ्रॉम स्टेशन को जो आपका सिग्नल कंट्रोल करता है उसे हम क्या कहते हैं, डिपार्चर सिग्नल कहते हैं। ये जनरली आपका फिर से दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट होता है स्टार्टर सिग्नल और सेकंड जो होता है वो होता है एडवांस स्टार्टर सिग्नल। तो ये क्या करते हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि अब आपका स्टेशन से है जो वो ट्रेन अब आगे की तरफ क्या हो रहा है, आपका मूव हो रहा है। तो ये आपका इंडिकेट करता है आपका स्टार्टर सिग्नल और जो आपका एडवांस स्टार्टर सिग्नल है आपको ये इंडिकेट्स करते हैं सिग्नल्स कि अब जो ट्रेन है वो धीरे धीरे आगे की तरफ मूव हो रहे हैं। नेक्स्ट है आपका जो फोर्थ टाइप का है, लास्ट है जो कि, तो हम यहाँ से फ्रंट से देख लेते हैं इसके कितने प्रकार होते हैं। तो लास्ट जो है वो है आपका क्या, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स आपके बहुत प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है आपका रिपीटर और कोएक्टिंग सिग्नल, सेकंड है आपका राउटिंग सिग्नल, नेक्स्ट है आपका कॉलिंग ऑन सिग्नल्स, फोर्थ है आपका पॉइंट इंडिकेटर, फिफ्थ है आपका मॉडिफाइड लोअर क्वाड्रेंट सेमाफोर सिग्नल और लास्ट है आपका क्या, मिसलेनियस सिग्नल। अब हम डिटेल में पॉइंट वाइज देखेंगे कि ये क्या होता है इनका मीनिंग। ये आया आपका क्या, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसमें बोलता है कि रिपीटर और कोएक्टिंग सिग्नल क्या होता है। तो ये बोलता है कि जो ड्राइवर का जब विजन क्या होता है ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ सम रीजंस, मान के चलो कहीं पे आपका सिग्नल लगा हुआ है लेकिन वो ड्राइवर को वो सिग्नल विजिबल नहीं होता, तो उस कंडीशन में आप क्या करते हो, रिपीटर या फिर कोएक्टिंग सिग्नल का यूज़ करते हो। अब ऑब्स्ट्रक्शन आपका कब आएगा, जब मान के चलो ओवर ब्रिज है या फिर कहीं पे कर्व आ रहा है, तो उस कंडीशन पे क्या है, अगर यहाँ से आपका ट्रेन है तो ये कर्व पे आपका यहाँ अगर आप सिग्नल दोगे तो ये ड्राइवर को विजिबल नहीं होगा। तो इस कंडीशन पे क्या करते हैं, आपका एक और सिग्नल लगा देते हैं जो सेम चीज़ को इंडिकेट करेगा ताकि ड्राइवर को क्या हो, वो जो सिग्नल है वो क्लियरली विजिबल हो। तो ये बोलता है उस जब इस प्रकार का कंडीशन डेवलप हो जाता है तो क्या करते हैं, डुप्लीकेट सिग्नल का हम यूज़ करते हैं एट सुटेबल पोजिशंस विच रिपीट द इंडिकेशन ऑफ द सिग्नल अहेड। जो सिग्नल है उसको क्या करता है आपका, रिपीट करता है। तो इसे आप क्या कहोगे, रिपीटर या फिर कोएक्टिंग सिग्नल्स कहोगे। सेकंड जो है वो है आपका क्या, राउटिंग सिग्नल्स। तो राउटिंग सिग्नल क्या होता है, जहाँ बड़े स्टेशंस जहाँ पे होते हैं वहाँ बहुत सारी लाइन आपकी रेल की लाइन जो है वो एग्जिस्ट करती है स्टेशन पे, जहाँ पे आपके बहुत सारे राउट्स आके मिलते हैं। तो ये जो राउटिंग सिग्नल है वहाँ पे आपका डाइवर्जन पे हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं डायग्राम, तो ये क्या है आपका, मेन लाइन है या बोल सकते तो मेन ट्रैक है। इस मेन ट्रैक से बहुत सारे जो ट्रैक्स हैं वो क्या हो रहे हैं, आपके ब्रांच हो रहे हैं, मतलब आप बोल सकते हो बहुत सारे आपके जो ट्रैक्स हैं मिल रहे हैं। तो ये जो इंडिकेशन आपको दिख रहा है ये आपका इंडिकेट करता है, मान के चलो यहाँ पे अगर आपका सिग्नल पे वन शो कर रहा है तो ये बताएगा कि आपका मेन ट्रैक से जो ट्रेन है वो डाइवर्ट होगा, आपका फर्स्ट नंबर का जो ट्रैक है उस पर डाइवर्ट होगा। अगर यहाँ पे थ्री इंडिकेट करता है दैट मीन्स मेन ट्रैक से
इस थर्ड लाइन पे आपका जो ट्रेन है वो आगे जाने वाला है। अगर आपको यहाँ पे कोई भी सिग्नल नहीं दे रहा है 1 2 3 4, दैट मीन्स वो ये इंडिकेट करता है कि आपका जो ट्रेन है वो सीधा मेन ट्रैक पे ही आपका मूव करेगा। तो इसे आप क्या कहोगे, राउटिंग सिग्नल्स कहोगे। नेक्स्ट है आपका कॉलिंग ऑन सिग्नल्स। तो ये क्या होता है कॉलिंग ऑन सिग्नल्स, ये बोलता है कॉलिंग ऑन सिग्नल्स के आर्म छोटे होते हैं और ये होम सिग्नल के साथ ही आपका अटैच होता है। होम सिग्नल इंडिकेट करता है ट्रेन को स्टॉप करना है, लेकिन कॉलिंग ऑन सिग्नल इंडिकेट करता है कि ट्रेन को आप कंप्लीटली स्टॉप नहीं करो और उसे धीरे धीरे आप क्या करते हैं करो, धीरे धीरे आप ट्रेन को क्या करो, मूव करते रहना है आपको। तो ये होता है आपका क्या, कॉलिंग ऑन सिग्नल। नेक्स्ट है आपका पॉइंट इंडिकेटर्स। तो पॉइंट ये जो सिग्नल मेनली आपके रूट को इंडिकेट करते हैं ड्राइवर को कि भाई अब ये जो रूट है यहाँ से आपका चेंज होने वाला है। तो ये बॉटम पे आपको ये डायग्राम दिख रहा है कि ये जो डायग्राम है ये आपका ये कहते हैं, इसे कहते हैं हम क्या, पॉइंट इंडिकेटर। ये लिवर आर्म से यहाँ से आपका ऑपरेट होता है। नेक्स्ट है आपका मिसलेनियस सिग्नल्स। तो आपके मिसलेनियस सिग्नल्स भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है आपका कॉशन इंडिकेटर सिग्नल, सेकंड है आपका स्पीड इंडिकेटर सिग्नल, थर्ड है आपका स्टॉप इंडिकेटर सिग्नल, फोर्थ है शंटिंग इंडिकेटर सिग्नल और फिफ्थ है आपका टर्मिनेशन सिग्नल। तो कॉशन सिग्नल क्या होता है, जब ट्रैक पे कि अंडर रिपेयर का या कंडीशन है तो ड्राइवर को ये सिग्नल इंडिकेट करता है कि आपका जो स्पीड को ट्रेन का है उसको आपको रिड्यूस करना है एंड प्रिपेयर्ड रहना है कि ट्रेन को आगे जाके आपको क्या करना है, स्टॉप करना है। नेक्स्ट है आपका स्पीड इंडिकेटर, ये ड्राइवर को स्पीड को इंडिकेट करने में हेल्प करता है और यदि आपका ट्रेन फास्ट स्पीड से मूव कर रहा है तो ये आपको इंडिकेट करेगा कि स्पीड को अभी आपको रिड्यूस करना है। नेक्स्ट है आपका स्टॉप इंडिकेटर, तो स्टॉप इंडिकेटर ये सिग्नल ट्रेन को एक बार स्टॉप करने के लिए आप इंडिकेट करता है कि भाई आगे जो सिग्नल है उसमें आपको एक बार ट्रेन को क्या करना है, स्टॉप करना है। नेक्स्ट है आपका शंटिंग आपका इंडिकेटर। तो ये जो शंटिंग इंडिकेटर है ये दिस सिग्नल्स मार्क्स द लिमिट ऑफ शंटिंग ऑपरेशन, कि भाई जो ट्रैक को हम चेंज कर रहे हैं तो उसका एक फिक्स लिमिट होता है, तो उसको इंडिकेट उस लिमिट को इंडिकेट करने के लिए ये जो सिग्नल है वो ट्रैक पे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका लास्ट जो है वो है क्या, टर्मिनेशन सिग्नल। तो ये जो टर्मिनेशन सिग्नल है ये इंडिकेट करता है कि ट्रेन अपने नॉर्मल स्पीड पे रन कर सकता है। अगर मान के चलो प्रीवियसली उसका स्पीड लो होगा लेकिन अब क्या है, वो इंडिकेट कर रहा है कि आप नॉर्मल स्पीड से जो है ट्रेन को क्या कर सकते हो, मूव करवा सकते हो। तो ये होते हैं सिग्नल्स और उसके वेरियस टाइप्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो आई होप ये टॉपिक आपको यहाँ से क्लियर होगा। थैंक यू।